हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी पीछे पार्ट ऑफ एन अकेडमी। चलिए, तो आज कल क्लास नहीं हुआ था, पता होगा कई सारे बच्चों कमेंट्स भी आए टेलीग्राम में, सर क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में ना कोरोना का प्रकोप हो गया, तो अब यहाँ की सरकार ने क्या किया, जितने सारे ऑफिसेज हैं सब में फॉगिंग करवा दिया, ताकि अगर आए तो वो बाहर से ही लौट जाए, जा यहाँ नहीं आना है। इसीलिए कल जो आपकी क्लास थी 1 बजे वाली, वो क्लास हो नहीं पाई है। जो शाम का क्लास था, आपको पता होगा बच्चों, 7 बजे वाला, वो मैंने क्या किया, घर से रिकॉर्ड करके भेज दिया, ताकि आपकी जो क्लास हो मिस ना हो। और कल 2:30 बजे वाला और 6 बजे वाले जो क्लास, उसको छोटा रखा गया, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि सारे के सारे क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाए। चलिए, तो आज फॉगिंग वगैरह हो गया है, फॉगिंग वगैरह कर दिया गया, अब जो कोरोना का जो असर है वो बिल्कुल बाहर ही बाहर लौट गया है। नहीं, चलिए, तो अब आज जो देखेंगे, बिल्कुल पर्सनैलिटीज की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, वैसे पर्सन की बात करेंगे जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, यानी वैसे पर्सन जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। तो मैं आपको पहले बताया कि सर जो रेलवे ने अपने सिलेबस में दिया है वो केवल व्यक्तित्व लिखता है, फेमस पर्सनैलिटी लिखता है, और ये क्लियर नहीं कहता कि ये फेमस पर्सनैलिटी जो अवार्ड मिला है वो पूछेंगे, अपॉइंटमेंट पूछेंगे, या मर गया उसके बारे में पूछेंगे। अरे यार, जो मर गया उसके बारे में क्यों पूछते हो, मर गया तो मर गया, कहानी खत्म। लेकिन क्या करें, क्वेश्चन बन जाता है, तो मेरी भी मजबूरी है कि जो मरने वालों को एक बार फिर से याद कर लें, मरने वालों को एक बार फिर से याद कर लें, इसलिए क्योंकि सर वो अपने लाइफ में कई ऐसे अचीवमेंट हासिल करते हैं जिससे हम आगे इंस्पायर होते हैं, जिससे हम सीखते हैं, इसीलिए मरने वालों को याद किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं वैसे बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि अनअकैडमी पे कौन कौन सा कोर्सेज चल रहा है, रेलवे भी पढ़ा रहे हैं, DRDO आफ्टर होली और SSC भी पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन, लेकिन जरा सा लिंक को शेयर कर दो बच्चों, ताकि और मजा आ जाए। मशहूर हस्तियों का निधन, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, अपनी चीज़ें पूछ सकते हो, बता सकते हो, कोई प्रश्न आप, कोई परेशानी हो, जैसे कई सारे बच्चों ने कल ग्रुप में डाला, सर क्लास नहीं होगा क्या 7 बजे, मैंने कह दिया बिल्कुल होगा। तो सर जल्दी से कुछ देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, फिर हम लोग MCQ बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि बांग्लादेश में बौद्ध धर्म गुरु सुधानंद महाथेरो का निधन हो गया। क्वेश्चन क्या बनेगा, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ये 2 तरीके से बनते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि बांग्लादेश क्या है, कि मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश क्या है, तो मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, मुस्लिम कंट्री है। तो जो बौद्ध धर्म गुरु है वो सुधानंद महाथेरो हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु सुधानंद महाथेरो का निधन हो गया, वो किस देश का संबंध, किस देश से है। अगर ऑप्शन में चीन जापान दे दिया ना, तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, किस देश के हैं, ये बांग्लादेश के हैं। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर का निधन हो गया, हाल ही में बलबीर सिंह कुल्लर का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन। क्वेश्चन क्या बनेगा, बस पलट दो ना क्वेश्चन, देखो तरीका यही है क्वेश्चन पूछने का, कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन हुआ है, वो किस देश से थे, मिस्र से थे। प्रसिद्ध नासा के गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का निधन, ओडिया क्रांतिकारी कवि रवि सिंह का निधन हो गया। नारीवादी लेखिका विद्या बाल का निधन, यानी वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी लेखिका विद्या बाल का निधन हो गया। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है जरा सा दिखा देना सर, बिल्कुल इसके बाद मैं चलूंगा MCQ में, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वयोवृद्ध ओडिसी दानसिस मिंती मिश्रा का निधन। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार कोड, जितने लोग हैं, देखिए प्रिंस झा, एक बात समझिएगा, हर दवाई इंजॉय करने के लिए नहीं पिया जाता है, कुछ दवाई ऐसी होती है जो कड़वी होता है लेकिन वो फायदा करता है। मजा के लेने के लिए पढ़ते हैं क्या, अगर मजा लेने के लिए पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे कहो तो मैं बिग बॉस 13 दिखा दूं आपको,
लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप वन लाइनर के फॉर्म में याद रख सकते हो, वन लाइनर के फॉर्म में याद रख सकते हो। तो सर बार कोड का आविष्कारक कौन था? जॉर्ज लॉर था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर सर विकास सबनिस कौन है? तो ये राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं। राजनीतिक कार्टूनिस्ट क्या है देखते होंगे कि अभी देखिए होली है, कई सारे चैनल वाले देते हैं ना सो सॉरी, याद आ गया आज तक वाला दिखाता है सो सॉरी, उसमें कार्टून बनाता है, मोदी जी का कार्टून अलग, केजरीवाल का कार्टून अलग, उसका कार्टून अलग। तो वैसे ही विकास सबनिस क्या करते थे कि राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे, सबकी अलग अलग कार्टून बनाते थे। प्रख्यात हिंदुस्तानी रसशास्त्री गायिका विदुषी सविता देवी का निधन हो गया, जो अपनी ठुमरी के लिए जानी जाती थी। किसके लिए जानी जाती थी? ठुमरी नृत्य के लिए जानी जाती थी, ठीक है, गायक सॉरी ठुमरी गायन के लिए जानी जाती थी। वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के लाल, बिहार के लाल वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रख्यात गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, जिन्होंने कंप्यूटर के गणना को भी एक तरह से कहें तो झूठला दिया। नासा में थे, कुछ समय के लिए कंप्यूटर का काम करना बंद कर दिया, कैलकुलेशन इन्होंने बताया, जब कंप्यूटर ठीक होता है तो इनका कैलकुलेशन और कंप्यूटर का कैलकुलेशन बिल्कुल इक्वल था, एक बराबर था। ठीक है, पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का निधन, पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का निधन हो गया। सर फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति के मोदी का निधन, तो के मोदी कहां अपॉइंट थे? तो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष थे और उद्योगपति थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी का निधन, मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चा कि ये सब जितने हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अभी लग नहीं रहा है ना, जब आपके पेपर होंगे और जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन छोड़ कर आओगे तब लगेगा सर उस दिन रोहित सर ने सही बताया था, क्योंकि जो सीजीएल देकर आ रहे हैं उनसे पूछिए कैसे पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीएचएसएल का पेपर होगा आपका, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मुझे ये क्वेश्चन ये टॉपिक उठाना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर वन बताइए, फर्नांडो कार्बेटो 93 साल की उम्र में मर जाते हैं, उन्होंने किसका आविष्कार किया? ऐसे कर दो यार, मर गए या मृत्यु हो गई। चलिए फर्नांडो कार्बेटो का की मृत्यु 93 साल की उम्र में हो गई, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? जल्दी खेमचंद्र आर्या जी, आपने पैसा इन्वेस्ट किया पढ़ने के लिए, किया है ना? अगर बिग बॉस देखना था तो फिर पढ़ाई नहीं करना चाहिए था बच्चा है। आपको एक्टिंग करना चाहिए था, आराम से बिग बॉस में जाते और क्या पता वहां करोड़ों रुपए जीत जाते आप। कंप्यूटर का जो पासवर्ड है ना, कंप्यूटर में पासवर्ड लगेगा, उसका आविष्कार किसने किया था? फर्नांडो कार्बेटो। और जितने भी दोस्त यार बंधु जुड़े हैं अभी, सबके मोबाइल में कोई ना कोई पासवर्ड है, और अगर उनका उनकी होगा, अगर कोई आपके फ्रेंड होंगे तो भैया ऐसा सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं जो लगता है ना कि कितने करोड़ के अंदर संपत्ति रखे गए हैं, कितने करोड़ की संपत्ति रखी गई है, ऐसा लॉक। एक बार पैटर्न लॉक होगा, एक बार फिर डिजिट लॉक होगा, एक बार फेस ऐप लॉक होगा, एक बार फिंगर लॉक होगा। नहीं तो क्या कंप्यूटर का पासवर्ड का आविष्कार किसने किया? फर्नांडो कार्बेटो ने किया। क्वेश्चन नंबर दो, कर्पूरी देवी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कैसी चित्रकार थी? पिथौरा चित्रकार, कलमकारी चित्रकार, मधुबनी चित्रकार या पटचित्र चित्रकार? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। झूठ ना बोलो, सब पासवर्ड लगाते हो, अभी जितने लोग हैं सब पासवर्ड लगाते हो, झूठ ना बोलो सब पासवर्ड लगाते हो।
सर मधुबनी चित्रकार, मधुबनी चित्रकार की बात करेंगे तो बिहार चले जाएंगे, यानी कर्पूरी देवी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक मधुबनी चित्रकार थी। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन, बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से मधुबनी चित्रकार से, मधुबनी पेंटिंग से पेंटिंग किया गया है, मधुबनी पेंटिंग से पेंटिंग किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जवाब ये कि बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से मधुबनी पेंटिंग से पेंट किया गया है, मधुबनी पेंटिंग से पेंट किया गया है। अमरिंदर सरन का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस पोस्ट पर अपॉइंट थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पूर्व अटॉर्नी जनरल या आरबीआई के पूर्व गवर्नर? क्वेश्चन नंबर 3। पटना जंक्शन गलत। विराट जी कह रहे हैं सर सिंगल है, सिंगल भैया, सिंगल वाले ज्यादा पासवर्ड लगाते हैं। दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी, ना ना सब गलत। दरभंगा 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 मधुबनी, पटना नहीं है सर, ये आप समझ लेना, पटना गलत है, जिसने भी पटना लगाया बिल्कुल गलत है, दरभंगा, क्योंकि मिथिलांचल वही है। सर पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरिंदर सरन का 69 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, तो वो किस पद पर थे? पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 4। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता नीलम शर्मा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चैनल की एक एंकर थी? नारी शक्ति पुरस्कार विजेता नीलम शर्मा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चैनल की एंकर थी? यार एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चों, जरा सेशन मजा आ रहा है, तो वो कुछ नया पढ़नी चाहिए हमेशा, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और हम एग्जाम ओरिएंटेड भी हो, एग्जाम में भी हमारा ये फायदा करे। तो क्या हो गया? दूरदर्शन। क्या है ये? दूरदर्शन। किसमें अपॉइंट थी? तो दूरदर्शन में थी ये। और मैं बता दूं ये दूरदर्शन में कैसे नौकरी मिलती है, तो प्रसार भारती से वैकेंसी आता है, SSC कंडक्ट कराता है प्रसार भारती। मैंने 2014 में इसका इंटरव्यू दिया था प्रसार भारती में, यानी प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री में क्या पूछा था ना कि मतलब इकोनॉमिक्स था मास्टर डिग्री, तो इकोनॉमिक्स डिमांड किया था, प्री पास कर गए। मेंस में पूछ दिया बच्चा 200 GS था और 50 रीजनिंग और 50 इंग्लिश, तो मेंस क्वालिफाई कर गए, क्योंकि GS तो पता ही आपको कि मतलब हमारी कैसी अच्छी है GS, लेकिन फिर भी पास कर गए भोलेनाथ की कृपा से। लेकिन इंटरव्यू कलकत्ता में था यार, बंगाली से पूछ दिया, बंगाली ब्लैंक कर गए, बंगाली आती नहीं क्योंकि क्षेत्रीयवाद कर दिया थोड़ा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सु वतनबे की कितने साल की उम्र में मृत्यु हो गई? 108, 110, 112, 114। चलिए बताइए, वैकेंसी का बात थी, नौरीन खान आती है वैकेंसी, आपको अवेयर रहना होगा बच्चे। एक सौ बारह वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो सर जापान के निगाता के। चित्से वतनबे को 12 फरवरी 2020 तक 112 साल 344 दिनों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आजकल कौन जीना चाहेगा सेंचुरी बनाकर, इतनी टेंशन है यार। अब देखो कौन कौन सा वायरस आ रहा है, नया नया वायरस आता है रोज, कभी कोरोना तो कभी H1N1 तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी निपाह। डैनियल आरामोई, जिनकी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, वह किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे? जाम्बिया, नाइजीरिया, केन्या, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बुजुर्गों का देश जापान, बहुत बढ़िया पीयूषी। अरे मैं हमेशा मूड में रहता हूँ,
मैं हमेशा जॉली मूड में रहता हूँ, टेंशन लेके ना पढ़ा पाऊंगा ना पढ़ पाओगे। देखो कहता है सर, डैनियल आरामोई जिनके हाल ही में 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, वह केन्या नैरोबी कैपिटल सेवा करने वाले सबसे लंबे राष्ट्रपति थे, सबसे ज्यादा दिनों तक। केन्या में एक जनजाति है मसाई, जो कई बार आपके पेपर में पूछता है रेलवे में खासकर कि मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो केन्या में पाई जाती है। ठीक है, देखिए अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? संस्कृत, हिंदी, उड़िया या उर्दू? क्वेश्चन नंबर सेवन जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी, बहुत स्लो चलते हो तुम लोग। उर्दू, जैसा कि आपको नाम ही पता है यार, सुल्तान अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये उर्दू भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे बच्चों? उर्दू भाषा के कवि थे। नेक्स्ट, भीमचंद्र जन एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के थे? और मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि जो ये क्वेश्चन है, जो पॉइंट आउट मैंने बताया आपको व्यक्तित्व के रूप में, बिल्कुल रेलवे अपने साफ साफ सिलेबस में शब्दों में लिखता ऐसे ही है, लेकिन हम उसके अनुसार पढ़ते ही नहीं है, उसके अनुसार पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए सर सिलेक्शन होने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है हमें। तो क्या होगा इसका? पश्चिम बंगाल, भीमचंद्र जन एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस राज्य के से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो पश्चिम बंगाल है। क्या होगा? पश्चिम बंगाल है। शिव शर्मा जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस समाचार चैनल के पूर्व महानिदेशक थे? आज तक, NDTV, दूरदर्शन, ABP News। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, शिव शर्मा जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस समाचार चैनल के पूर्व महानिदेशक थे? देखिए दूरदर्शन। अब एक काम करना, देखो मैं आपको ना एक थोड़ा सा हिंट करता हूँ, ये आपके आने वाले पेपर के लिए कितना बेनिफिट होगा समझना। क्या करना है सब? देखो, पहला, जितने भी समाचार चैनल हैं जो फेमस, खासकर अब ये मत करने लगना कि ETV बिहार और ETV झारखंड और ETV क्षेत्रीय, जितने फेमस हैं, आज तक, NDTV, दूरदर्शन, ABP News, जी, तो जितने भी चैनल हैं उन सब की स्थापना, फिर उन सब का हेडक्वार्टर और उन सब के CEO, क्योंकि सर स्थापना, हेडक्वार्टर, CEO सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्योंकि याद करिए, जब पिछले साल पेपर हुआ था आपका 2018-19 में JEE का और ग्रुप डी का, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे CEO के, कंपनी के CEO, कंपनी का CEO, कंपनी का हेडक्वार्टर, फिर ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सोच नहीं पा रहे थे। इसीलिए एक बात हमेशा, हाँ मत याद रखो ना, कोई दिक्कत थोड़े है, आप याद नहीं रखेंगे, कोई और याद रखेगा, कोई और जॉब ले लेगा। आप मत याद रखिए, आपको किसने कहा याद रखने को? ठीक है, देखिए ओम प्रकाश जी ने कह दिया सर मेरा आया था ग्रुप डी में। समझ में आया? अगर कोई बात कोई समझ में आया
देखिए पूछा ना, याद करिए कि सर रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। तो पूछ दिया ना क्वेश्चन, अब वहां कैसे रिलेट करेगा, क्वेश्चन रिलेट करके पूछेगा ना, इसीलिए कहते हैं बच्चों याद रखने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जोगिंदर सिंह सैनी हु रिसेंटली डाइड एट 19 वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। जोगिंदर सिंह सैनी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे, एथलेटिक्स, पोलो, कुश्ती या कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए वाईफाई स्टडी का सीईओ तो जो बोलते नहीं है, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लास देखते होंगे, तो वही हमारे सीईओ हैं। ठीक है, तो सर जोगिंदर सिंह सैनी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे, एथलेटिक्स से जुड़े थे। किस खेल से जुड़े थे, एथलेटिक्स से जुड़े थे। चलो सर, कहता है वयोवृद्ध एथलीट्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोगिंदर सिंह सैनी जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, भारत के कुछ बेहतरीन ट्रैक और फील्ड सितारों को तैयार किया। 1 मार्च को पटियाला में उम्र से संबंधित समस्याओं के कारण मृत्यु हो गई और सैनी 1979 से 90 से कई वर्षों तक मुख्य राष्ट्रीय एथलीट कोच बचे थे। समझ में आ गया, चलिए तो हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो और अगर आप चाहते हो सर अनअकैडमी के साथ जुड़ना, जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट में आपसे थोड़े से मुखातिब होते हैं, तो ये पता है, बिल्कुल ये पता तब चलता है बच्चों की सर कह रहे थे मान लेने चाहिए जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम सिंसियर नहीं हैं। और हमेशा याद रखिएगा, सिंसियर अगर हैं आप जहां से पढ़ते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल 100% होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, होली अच्छे से मनाइए, धन्यवाद।